आदिल हसन साहब, इनकी बातों पर जवाब दीजिए। अब तो एमआईएम भी कर्नाटक में अपने भाग्य को आजमाने के लिए उतर रही है, तो अगर बीजेपी अपने मन की बात पहुंचा देती है मुसलमानों तक, तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है वहां पर। 22-23 मिनट के बाद आपने मौका दिया तो उम्मीद है कि आप बोलने मुझे दीजिएगा। बोलिए बोलिए सर। सबसे पहले बीजेपी से आप पूछिए कि 4% रिजर्वेशन कर्नाटका का क्या है, क्यों हटा दिया? महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन था, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने दिया, उसको क्यों रोका? कभी प्रधानमंत्री बिल्किस बानो और जकिया जाफरी के यहां भी चले जाएं, नासिर जुनैद के राजस्थान में भी चले जाएं, काउ विजिलेंटे भी बोल दे, मोमा का स्कॉलरशिप बंद हो गया, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद हो गया, झारखंड में लिंचिंग हुआ, इनके मंत्री जयंत कुमार ने माला पहनाया मदरसा टीचर को, उत्तर प्रदेश में जो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में शुरू हुआ था 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, एएमयू और जामिया का भी ग्रांट इस मोदी सरकार ने बंद कर दिया है, एक भी मुस्लिम एमएलए एमपी मिनिस्टर इस मोदी सरकार में नहीं है। आप बतलाइए, हेमंत बिस्वासा और योगी जो सुबह शाम बुलडोजर चलाते हैं उसमें मोदी सरकार की क्या भूमिका है? बतलाएं मोदी जी, सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, आखिर किस तरीके से करना चाहते हैं? रिजर्वेशन भी छीन लेते हैं, स्कॉलरशिप भी छीन लेते हैं, जुनैद नसीर क्या भी नहीं जाते हैं, बिल्किस क्या भी नहीं जाते हैं, 15 अगस्त को लाल किला से भाषण देते हैं, उसी दिन जो बिल्किस के जो जिसने किया था उसके साथ उसको छोड़ देते हैं, आखिर मोदी जी का इंसाफ क्या है? बतलाएं कि एक अभिनेता के बेटे को फंसाया गया, उस पर भी जो उनका ऑफिसर था उस पर जांच आया, उस पर मोदी जी ने क्या किया? महाराष्ट्र से दिल्ली ट्रांसफर करा दिया। स्कॉलरशिप पे क्या करेंगे? काउ विजिलेंट पे क्या करेंगे? मॉब लिंचिंग पे क्या करेंगे? क्या किसी मुसलमान को मिनिस्टर एमएलए बनाएंगे, स्कॉलरशिप बढ़ाएंगे कि सिर्फ दरबारियों को खुश करेंगे? आखिर एक गवर्नर बनाने से या किसी को पद्म भूषण देने से कुछ नहीं होने वाला है। आखिर मुसलमानों को इंसाफ कब देंगे? मुसलमानों को हिस्सेदारी कब देंगे? स्कॉलरशिप कब देंगे? आप बतलाएं कि वो जो 5 साल से उत्तर प्रदेश के मदरसा में जो पैसा नहीं मिला है वो वाजपेयी जी के वक्त में शुरू हुआ था, मोदी सरकार उसको कब तनख्वाह देगी? उसमें हिंदू मुसलमान दोनों टीचर हैं, ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमान टीचर हैं, उसमें फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है, उसका पैसा मोदी जी कब देंगे? मोदी जी भाषण बहुत अच्छा देते हैं, टीवी बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, ये बात देश जानता है, लेकिन बतलाएं कि इंसाफ कब कर देंगे, स्कॉलरशिप कब देंगे, और मॉब लिंचिंग पे कब कानून आएगा, कब ऐसा कौ विजिलेंट पे कानून आएगा, कब मोनू मनेसर और जो राजस्थान में घटना घटी, हरियाणा में सरकार ने पेट्रोनेस दिया उस पर कब बोलेंगे? हेमंत बिस्वासा जो हर दिन बुलडोजर चला रहे हैं उस पर वो कब कार्रवाई करेंगे? हम ये पूछना चाहते हैं। और ये 4% रिजर्वेशन क्यों खत्म कर दिया? और क्या महाराज देवेंद्र फडणवीस सरकार जो हाईकोर्ट वाला है उन्होंने गिरा दी है, और मुझे 4% मुसलमानों के आरक्षण को खत्म करने से लेकर बुलडोजर चलाने तक जवाब, क्योंकि तथ्यात्मक रूप में जवाब देता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा। देखिए, बिल्कुल 4% रिजर्वेशन हटाया, धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन ये गैर संवैधानिक है, और उन्हीं को ईडब्ल्यूएस में कोटा मिला है, ईडब्ल्यूएस में उनको पूरा रिजर्वेशन मिलेगा, पर पिछड़ेपन के आधार पर, किसी को धार्मिक आधार पर नहीं मिलेगा, ये संविधान के खिलाफ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा एएमयू और जामिया की फंडिंग बंद कर दी है, ये इतना बड़ा झूठ आज तक पर बैठकर बोल रहे हैं? मैं आपको आंकड़े बताता हूं, पोस्ट मैट्रिक स्कीम यूपीए 2 के जमाने में, चित्रा जी ये तरीका नहीं, चित्रा जी मेरे हर बयान में मेरा, मैं बीजेपी से अकेला हूं, चार उनके हैं, मैं अपनी बात तथ्यों में रखता हूं, हर बार मेरी बात में लोग कर रहे हैं, नहीं आपका पीसीआर भी कर सकता है, बीजेपी की दरबारी मैंने एक शब्द नहीं बोला, ना 3-4 मिनट बोला, वो शांति से सुन रहे थे, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं, आपका पीसीआर भी तो सबको मौका दे सकता है। सुनिए आदिल हसन जी, दोनों का बजट घटा है, अब सुन लेते हैं, उनको बोल लेने दीजिए फिर आप दोनों का बजट झूठ क्यों बोल रहे हैं चैनल पर? अनुशासन का पालन अगर नहीं होगा चित्रा जी, तो मैं इस डिबेट में मैं आंकड़े देना चाहता हूं, मैं जनता के भ्रम को दूर करना चाहता हूं, मैं अपनी आवाज रमजान के महीने में चीख के अगर आप चाहती है मैं चिल्ला के बोलूं तो आप बता दीजिए, मेरे साथ भी वही न्याय हो जो मैंने उनके साथ किया। इस पर बतलाएं मोदी, आप या तो मौका दे दीजिए या तो मैं अपनी बात नहीं रखूंगा, आप भारतीय जनता पार्टी के बिना ही चला दीजिए। साहब ये तरीका ठीक नहीं है, आप जब बोल रहे थे, एक सेकंड सर, आप जब बोल रहे थे, अब ये मैं तो यहाँ पर बैठकर तय नहीं करूंगी ना कि उनको क्या बोलना है, अपने शब्द तो मैं उनकी जुबान में डालूंगी नहीं, और उसी तरह से आपके चार मिनट से इनको चुप कराने में व्यस्त हो गए। अगर आप चुप रहेंगे तो ठीक है, वरना मैं आपका ऑडियो म्यूट करा दूंगी। एमयू किशनगंज पे आप चलिए मेरे साथ, आप सिंगल विंडो पे भी ले सकते हैं। आप आदिल जी का ऑडियो म्यूट कीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, तस्लीम अहमद रहमानी भी इंतजार। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने 4 मिनट बोला है तो मुझे 2 मिनट मिल जाएंगे। तथ्यों के बोलिए बोलिए बोलिए। पहली बात, हम धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं देते, ईडब्ल्यूएस में सबको रिजर्वेशन मिलेगा पिछड़ेपन के आधार पर। एएमयू और जामिया की फंडिंग बंद हुई है, इस प्रकार के गलत तथ्यों को इतने बड़े चैनल पर आगे करना, इसका मुझे लगता है कि फैक्ट चेक तुरंत हो जाना चाहिए, इंडिया टुडे फैक्ट चेक के लिए जाना जाता है। तीसरी बात, मैं आपको बताता हूं कि पोस्ट मैट्रिक स्कीम में यूपीए 2 के जमाने में स्टाइपेंड
स्टाइपेंड होता था 23,000 रुपए प्रति व्यक्ति, आज एनडीए के जमाने में 26,000 रुपए है। बजट जो था 2013-14 में माइनॉरिटी का बजट 3,511 करोड़, 2022-23 में 5,020 करोड़। मनमोहन सिंह की सरकार में 2.33 करोड़ स्कॉलरशिप दिए गए, मोदी जी की पहली सरकार में 2.37 करोड़ स्कॉलरशिप दिए गए। किसने अन्याय किया है? अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर। देखिए मैं इनसे पूछा था तो लिंचिंग की बात करते हैं। जब सबसे बड़े लिंचिंग में कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार रही 2004-14 तक, आप लोग क्यों उनके साथ में थे? कब हुआ नेल्ली का दंगा, कब हुआ हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाने, कब हुए, किसके जमाने में हुए, और आप कांग्रेस के साथ चले गए? और लिंचिंग की बात करते हैं, जब खेताराम भील को एक मुस्लिम भीड़ ने लिंच कर दिया, नागराजू को एक मुस्लिम भीड़ ने लिंच कर दिया क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की, कहां थे आप लिंचिंग के नाम पर? क्यों इंसानियत नहीं जागी आपकी? जय भीम जय भीम तो बड़ा करते हैं आप लोग। और आखिरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए ये बात करें सेकुलरिज्म की, इनके तो नाम में AIMIM मतलब केवल मुस्लिमीन के लिए, बोलिए मुस्लिमीन कब हटा रहे हैं? और हमने औरंगजेब रोड का नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन की बात की। एपीजे अब्दुल कलाम से अच्छा कोई पर्सनालिटी हो सकता है? ठीक है, पर क्या एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रोड रखने का भी विरोध इन लोगों ने किया है?